हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइन डाई में कुछ डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ करके हम डाई करेंगे और टाई करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जो यूज़ करेंगे वो हम सेफ्टी पिन करेंगे। सेफ्टी पिन जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं घर में, ये देखिए इस तरीके से सेफ्टी पिन होती है, उससे भी हम टाई कर सकते हैं किसी तरह, मतलब टाई उससे भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम। जैसे सेफ्टी पिन है, तो सेफ्टी पिन को हमने कहीं से भी हम शुरू कर देते हैं। देखिए देखिए, इसको हमने जितना भी सेफ्टी पिन की लेंथ है हमें उसके अंदर पूरा फैब्रिक इंसर्ट करना है। कैसे भी हमें पूरा फैब्रिक, चाहे आप बड़े उससे लीजिए या कैसे भी, इसको आपको इंसर्ट करना है। देखिए, या डिज़ाइन हम बना लें, अभी इसमें मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है, हम डिज़ाइन बना के भी कर सकते हैं। बस इसमें हमने सिर्फ इसमें इंसर्ट करते जाना है, जितना मैक्सिमम हम अपना फैब्रिक इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं उसको, उससे भी देखिए एक डाई हो जाता है। देखिए खूब अच्छे से हम इसे ऐसे प्रेस कर देंगे, जितना हमारा मैक्सिमम कपड़ा इसमें इंसर्ट हो जाएगा उतनी ही, जितना ये टाइट रहेगा उतना ही ज़्यादा उसमें इफ़ेक्ट अच्छा आएगा। कैसा भी आप पैटर्न इसमें बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल आप इसको इंसर्ट करते चले जाइए, जैसे सेफ्टी पिन हम इसमें किसी भी फैब्रिक में डालते हैं, बिल्कुल एंड तक, जब तक ये बिल्कुल ये ना हो जाए कि अभी एक इसमें कपड़ा हम जा ही नहीं सकता, तब तक आप इसमें डालते रहिए, इंसर्ट करते रहिए। देखिए इतना बड़ा फैब्रिक है, इसको पूरा आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। छोटा ही, जितना बड़ा कपड़ा होगा, बड़ी पर अगर सेफ्टी पिन होगी तो फिर हमें बहुत ज़्यादा फिर फैब्रिक की भी ज़रूरत होगी। इतने छोटे फैब्रिक के लिए या सैम्पल के लिए मेरे को इतने से सेफ्टी पिन से काम हो जाएगा। छोटा सेफ्टी पिन, अगर आपको और छोटा सेफ्टी पिन इसमें यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, तब आपको छोटा एरिया, इतना पूरा का पूरा फैब्रिक इसमें, क्योंकि देखिए हम इसे यूँ ऐसे प्रेस करेंगे, इस तरीके से प्रेस करके अभी भी इतनी स्पेस है इसके अंदर, तो इस स्पेस को भी हम इसी तरीके से पूरा फिल कर देते हैं। हमें इसमें बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि स्पेस इसमें रह जाए, अगर स्पेस रह जाएगी तो फिर जो टाइटनेस चाहिए है, जो जैसे हम टाई करते हैं तो जिस पोर्शन पे हम थ्रेड इंसर्ट लगाते हैं एयर से टाई करते हैं, उतने पोर्शन पे कलर नहीं आता। तो इसमें यह है कि लेयर्स इतनी सारी बन जाएंगी, इन लेयर्स का यूज़ से अंदर कलर नहीं जाएगा अगर बिल्कुल टाइट होगा तो। ये देखिए इस तरीके से मैं जितना हो सकता है अभी और प्रेस करके जितना फैब्रिक इसमें जा सकता है हम उसे इसमें इंसर्ट कर देंगे। ये भी इसे थोड़ा सा और ओपन करके देखते हैं, देखिए इसमें कि और थोड़ा सा फैब्रिक हमारा चला जाए। अब इसमें स्पेस ख़त्म हो गई है बिल्कुल भी, बिल्कुल ही कि अब इसमें स्पेस हम ना जाए, तो अब हम इसे बंद कर देते हैं। देखिए ये हमारा इस तरीके से इसमें इस तरीके से ये इंसर्ट हो गया, तो ये हमारा फैब्रिक सेफ्टी पिन के थ्रू हमने इसको क्या कहते हैं डाई करेंगे सेफ्टी पिन का यूज़ करके। अब एक और मेथड होता है जिसमें कि हम क्या करेंगे कि जो थ्रेड है, टाई एंड डाई थ्रेड है, सिर्फ उसको हम इस तरीके से फैब्रिक पे रोल करेंगे। देखिए कैसे, हमने मान लीजिए इतना बड़ा ये फैब्रिक ले, ये थ्रेड ले लिया, इतना बड़ा थ्रेड ले लिया है, इतने बड़े की भी ज़रूरत नहीं है, छोटा इतना ले लेते हैं कि ये इसके अंदर बस इंसर्ट हो जाए। देखिए जैसे इतना बड़ा हमने लिया, फैब्रिक के बराबर का ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसे डबल भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, वैसे तो ये टूटेगा ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस जो थ्रेड था इसको ऐसे इसके ऊपर से ऐसे फैब्रिक रोल कर देते हैं। देखिए ऐसे हमने पूरा फैब्रिक इस पर रोल कर दिया, ये देखिए ऐसे। और अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा थ्रेड है उस थ्रेड को हम ऐसे नॉट लगाएंगे,
और नॉट लगा के पूरी तरह से हम इसे टाइट कर देंगे। देखिए इसे जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना हम इसे टाइट कर देंगे। ये भी एक तरह से जितनी लेयर्स टाइट होंगी उतना इफ़ेक्ट इसका आएगा। अब हम कुछ नहीं करना है, हम कहीं और टाई नहीं करेंगे, सिर्फ इसको खूब अच्छे से नॉट करके और हम इसे बस एक नॉट लगा देते हैं ताकि वो खुल नहीं जाए, कहीं पे बीच में पता चला कि वो खुल गया। ये देखिए इस तरीके से ये हमने इसे नॉट कर दिया। बस नॉट करके ही हम इसको डाई करेंगे। इस एक मेथड हमारा ये हो गया जिसमें कि हमने सिर्फ थ्रेड को यूज़ करके हमने इसे मतलब इसे थ्रेड पुल करा है और इसके बाद हमने इसको ऐसे नॉट करके डाई करेंगे। अब इसका इफ़ेक्ट एक अलग तरीके का आता है। अच्छा, अब इसके बाद हम एक और मेथड करते हैं, ये जिसमें देखिए ऐसा करेंगे कि हमने प्लीट्स बनाई। देखिए ऐसे प्लीट्स बना ली हमने, ऐसे इस तरीके से फैन फोल्डिंग कर ली। फैन फोल्डिंग से ही प्लीट्स हमने बना ली हैं। देखिए फैन फोल्डिंग का यूज़ करके देखिए ऐसे, ये देखिए ये प्लीट्स बन गई हैं। इस तरीके से प्लीट्स बन गई। अब हम क्या करेंगे कि ये जो प्लीट्स हैं इनको हम इस तरीके से ट्विस्ट कर देंगे। देखिए ये ऐसे इस तरीके से हम इसको ट्विस्ट कर देंगे। प्लीट्स बना के और इसको हमने ट्विस्ट कर दिया। अब देखिए और इसके बाद ये हम टाई करेंगे। जितना देखिए प्लीट्स ऐसे बना ली, प्लीट्स बने बने में ऐसे ट्विस्ट करेंगे। देखिए प्लीटेड एंड ट्विस्टेड एक मेथड है, उस प्लीट्स बनी बनी में हमने इस तरीके से अभी पहले एक बार ट्विस्ट कर ले। खूब अच्छे से टाइट करके इसका इफेक्ट अलग तरीके का आएगा। ये देखिए ऐसे हमने ट्विस्ट कर लिया पूरे उसको और इसको हम एक दो बार और इसमें थ्रेड टाइट कर देते हैं। अच्छे से टाइट करके करेंगे जिससे कि कलर अंदर ना जाए। इसके एक प्लीट्स बन गई हैं तो अंदर लेयर, इसमें मेन जो इस टेक्निक को हम कर रहे हैं, ये टेक्निक्स में लेयर्स अगर ज़्यादा होती हैं तो भी कलर अंदर नहीं जाता है। एक तो है ही तरीका कि जिस पोर्शन पे हमने टाई किया है उस पोर्शन पे नहीं जाता, पर अगर लेयर्स भी ज़्यादा हो जाती हैं तो भी कलर बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाता है। जितना ऊपर टॉप लेयर पे होता है, जो 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 कलर के कांटेक्ट में रहता है उस पे ही ज़्यादा कलर आता है। ये देखिए इस तरीके से ये हमने एक मेथड कर दिया प्लीटेड एंड ट्विस्टेड। ये देखिए इस तरीके से प्लीट्स बना के और फिर इसके बाद हमने इसे किया है। एक और जो इसमें हम करेंगे वो स्टिच करके करेंगे। स्टिच कैसे करते हैं? स्टिच करने का पर्पज़ ये है कि अगर हम जिस पोर्शन पे स्टिच कर देते हैं उस पोर्शन पे जो इफ़ेक्ट है वो बहुत क्लियर आता है। जैसे देखिए ये मैं वेवी पैटर्न इस तरीके का इस पे करती हूँ, तो वेवी पैटर्न करने के लिए देखिए ऐसे मैंने जैसे रनिंग स्टिच हम करते हैं, रनिंग स्टिच हमने इस पे कर ली। देखिए रनिंग स्टिच हमने इसके ऊपर रनिंग स्टिच जस्ट स्टिचिंग करने से और क्लियरिटी आती है जो हम डाई करते हैं, जो अच्छा मतलब और क्लीन डाई होगा तो उसमें क्या कहते हैं या टाई होगा तो वो क्या कहते हैं ये स्टिच करने से और अच्छा इफेक्ट आता है। जितने जिस पोर्शन को अगर आपको सर्कल अच्छा चाहिए तो आपने इस तरीके से देखिए ये मैंने टाई कर दिया है। अब इसको मैं यहीं पर कट कर देती हूँ। ये कट कर दिया, ऐसे ही हम ये तीनों कर लेते हैं। ऊपर से ही मैं पर ही रखेंगे हम इसकी। देखिए
उसी जो मैंने डिज़ाइन बनाई है उसी डिज़ाइन पे मैं स्टिच कर रही हूँ, देखिए, ताकि जब हम ओपन करें तो हमारा जो डाई है आज, मतलब एक तरह से इसमें ये कहा जाए स्टिचिंग मेथड से हमें जो डिज़ाइन हम चाहते हैं, कैसा भी डिज़ाइन हमें डिज़ाइन होगा उसको को भी हम डाई कर सकते हैं उसी शेप में। क्लियर तो आता ही है, पर उसी शेप में हम डाई कर सकते हैं उसे, जैसा कि जैसे ये वेवी पैटर्न है, तो वेवी पैटर्न अगर हम ऐसे नॉर्मल स्टिच टाई करेंगे तो इतना वेवी नहीं आएगा, पर अगर हमने ऐसे ड्रॉ करके और इसके बाद हम इसे स्टिच करते हैं, स्टिच करके अगर हम फिर टाई करेंगे तो क्या होगा कि इफ़ेक्ट जो है बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा। तो आप कोई भी डिज़ाइन बनाइए और डिज़ाइन को स्टिच कर दीजिए, स्टिच करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो इफ़ेक्ट है वो एज इट इज़ ही रहेगा और बहुत क्लियर आएगा। देखिए इस तरीके से नीडल एंड थ्रेड का यूज़ करके हम इसको भी एक नए तरीका तरीके से टाई कर सकते हैं। देखिए ऐसे सिंपल वेवी पैटर्न मैंने इसमें बनाया था। आप कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स भी बना सकते हैं, पैटर्न्स जैसा भी बनाएंगे वैसा का वैसा ही इफ़ेक्ट आएगा आपको, डाई जैसा जिस तरीके का आपने डिज़ाइन बनाया होगा सेम वैसा ही आपको इफ़ेक्ट दिखेगा, मतलब कि जो भी डिज़ाइन बनाएंगे वो डिज़ाइन का वैसा ही लुक आ जाएगा। देखिए इस तरीके से मैंने ये इस तरीके कर लिया। मैंने एक और टेक्निक इसको और दूसरे तरीके से भी किया है, सर्कल की तरह, सर्कल की भी हम इसमें बना सकते हैं। सर्कल देखिए कैसे है, ये देखिए मैंने दो सर्कल किए हैं, ये देखिए इसमें, अगर सर्कल वैसे तो हम सर्कल सिर्फ बीच में पकड़ के कर सकते थे, पर ये सर्कल देखिए इसमें इस स्टिचिंग मेथड से या नीडल थ्रेड से हम इस कैसे करेंगे सर्कल डाई, अगर हमें डाई करना है तो देखिए कितना किस तरीके का आएगा ये। इससे स्टिचिंग करने से बहुत ज़्यादा नीट आता है, जो भी इफ़ेक्ट आप देना चाहेंगे वो बिल्कुल क्लियर आएगा। चाहे आपको स्क्वायर बनाना हो, अगर स्क्वायर भी बनाना है, स्क्वायर कैसे बनेगा, स्क्वायर भी आप इसी तरीके से स्टिच करके बना सकते हैं। ये ऐसा ये सर्कल बन गया है, इस तरीके से देखिए ये सर्कल आ गया, ये इस तरीके से। अगर स्क्वायर बनाना होगा इसी के बाहर हम स्क्वायर भी बना सकते हैं। अगर स्क्वायर बनाना होगा तो देखिए किस तरीके से, अगर स्क्वायर बनाना है स्क्वायर अगर हमें बनाना है इसके बाहर, मान लीजिए तो सर्कल बनाया है, स्क्वायर बनाने के लिए मैं स्क्वायर बना देती हूँ। ये देखिए ये सर्कल है, इसमें इसी के बाहर मैंने स्क्वायर बना दिया है, देखिए ये देखिए स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर। तो स्टिच मेथड से हम कैसे स्क्वायर भी बना सकते हैं, देखिए अभी ये इसको ये हो गया और एक स्क्वायर भी कर लेते हैं। स्क्वायर करने के लिए हमने इस कॉर्नर से ही स्टार्ट करना है, ये देखिए कॉर्नर से ही स्टार्ट करेंगे और स्टिच करके ने से बिल्कुल जैसा डिज़ाइन चाहिए वैसा ही डिज़ाइन आता है। देखिए अब इसमें हमें जब स्क्वायर चाहिए है क्योंकि हमें पॉइंट्स भी चाहिए हैं, तो हम पॉइंट्स अगर चाहिए हैं तो हमें कॉर्नर के जो कॉर्नर पॉइंट है उस पर हमें नीडल निकालनी पड़ेगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने इस पे देखी, ये देखिए ये नीडल यहाँ निकाली ताकि वो कॉर्नर बिल्कुल एज इट इज़ ही दिखे। देखिए इस तरीके से कॉर्नर पे निकालेंगे, देखिए कॉर्नर पे ज़रूर निकालेंगे तभी वो पॉइंट बन के आएगा कि जब ये स्क्वायर दिखेगा जिससे, नहीं तो फिर वो राउंड ही हो जाएगा। अगर पॉइंट पे कॉर्नर पॉइंट पे नहीं लेगा अगर नीडल तो फिर वो राउंड हो जाएगा,
तो इसलिए राउंड ना करके हमें उसमें स्क्वायर दिखाना है और पॉइंटेड दिखाना है, इसलिए हमने उस कॉर्नर पे भी कॉर्नर पे नीडल निकालेंगे ज़रूर। ये और एक ये इस तरीके से देखिए, रनिंग स्टिच हैं, सिर्फ इस तरीके से इंसर्ट करके टाई डाई थ्रेड ही यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर फिल कर, इसको टाई स्टिच करने के लिए भी, क्योंकि वो थ्रेड जहाँ जहाँ पे से निकलेगा या उस तरह से टाई करेंगे जब, तो कलर अंदर नहीं जाएगा और तभी वो इफ़ेक्ट दे पाएगा वहाँ पर। देखिए ये हो गया। अब हम इसको कैसे, हम इसको इफ़ेक्ट चाहिए है हमें तो हम कैसे करेंगे, देखिए जैसे ये है, ये करने के लिए हम एक साइड रूल लगा दीजिएगा जैसे इसमें किया है, तो अब हम इसको पुल करेंगे। देखिए ऐसे ये पुल किया इसे, ये जिस तरीके से था पूरा हमने इसे पुल किया, खूब अच्छे से टाइट करके ऐसे पुल कर लिया है, और जहाँ जहाँ पे है जिस जगह पे लगा था उसी पोर्शन पे हमने इसी को खूब अच्छे से टाई कर दिया। खूब अच्छे से हमने इसे टाई कर दिया। थोड़ा सा आप थ्रेड और यूज़ कर सकते हैं जिससे कि नॉट लगा दें हम, बस इतना सा लेके ये कर दिया हमने। ऐसे ही इसमें करेंगे, देखिए ये पुल करके, देखिए ये पुल कर दिया हमने, देखिए ऐसे पुल करके खूब अच्छे से, और थोड़ा बड़ा थ्रेड ले सकते हैं, उसको छोड़ देंगे थोड़ा बड़ा थ्रेड, जिससे कि जब हम इस पर अलग से थ्रेड फिर हमें नहीं यूज़ करना पड़ेगा, इसमें अलग से थ्रेड यूज़ करना पड़ रहा है नॉट करने के लिए, क्योंकि ये देखिए ये हमने नॉट कर दिया। ऐसे ये इसको कर लेते हैं हम पुल, देखिए ऐसे पुल कर दिया। इस तरीके से करेंगे आप तो इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आएगा, वेवी पैटर्न बिल्कुल क्लियर आएगा। ये देखिए तरीके से करके हमने इसे नॉट कर दिया। देखिए ये तो हमारा वेवी पैटर्न हो जाएगा। अब हमें सर्कल चाहिए है, तो हम पहले सर्कल को देखिए, ये सर्कल को है हम चाहे ऊपर इसका रख लीजिए और इसको पुल करते हैं ऐसे। देखिए ये पुल किया हमने इस तरीके से पुल करके सर्कल, ऐसे खूब अच्छे से टाइटली करके, और इसको यही थ्रेड इसके ऊपर लपेट दिया ताकि थोड़ी सी जो लाइन आए वो थोड़ी सी दिखे हमें इसके ऊपर। देखिए ये ऐसे किया और ये ऐसे आ गया, ये तो इसके लिए हो गया। अब हम जो स्क्वायर वाला था, स्क्वायर में भी देखिए एक तरफ नॉट लगी हुई है, अब हम क्या करते हैं इसको भी ऐसे ही पुल कर लेते हैं। देखिए पूरा पुल कर लिया ये ऐसे, खूब अच्छे से हमने खूब टाइटली इसे पुल करके इसी को ही हम इसके ऊपर लगा देते हैं। जितना स्टिच किया है कोशिश वही रहेगी कि जितना स्टिच जहाँ जहाँ पे है उसी पर ही टाइट हो जाए। खूब टाइटली करिए, देखिए इस तरीके से मैंने इसे खूब अच्छे से टाई कर दिया। अब ये हमारा पोर्शन ये जो है सब टाई हो गए हैं। इसमें क्या किया है, सेफ्टी पिन लिया है, ये थ्रेड पुल करके किया था हमने ये वाला, ये प्लीट और ट्विस्ट करके किया था, और ये जो है हमने दोनों स्टिच किए जिसमें एक वेवी पैटर्न है और एक जो है स्क्वायर और सर्कल बनाया है हमने। अब इनको हम सब पहले एक प्लेन वाटर में डिप कर लेते हैं, जिससे कि जो एक जब कलर डाई करेंगे तो कलर जो है सब जगह ईवन आएगा। प्लेन इसी में वाटर में डिप कर लिया इसे, ताकि ये सब हमारे जो
पीसेस वो इवनली सब कलर एक जैसे आने चाहिए। इसे थोड़ी देर रख देते हैं। हम ये वार्म वाटर है, वार्म वाटर हमने पहले से ही करके रखा हुआ है और उसको मैंने इलेक्ट्रिक कैटल में किया है, उसको हम कर सकते हैं, बर्नर पे करते हैं, हम इसे इलेक्ट्रिक कैटल में भी इजीली कर सकते हैं। देखिए इसमें खूब ज़्यादा वार्म होगा वो, और वो हमने इसके अंदर लेके डालना है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही हॉट वाटर होगा ये, देखिए पूरा हॉट वाटर है क्योंकि हम ये हॉट एंड कोल्ड वाटर की टेक्निक से कर रहे हैं इसको। अब इसमें ये देखिए ये है, अब मैं पहले ग्लव्स इसमें, क्योंकि ग्लव्स पहनने ज़रूरी है, नहीं तो आपके हाथ में कलर आ जाएगा सारा जब आप करेंगे तो। ये देखिए इसमें मैं ग्लव्स का यूज़ कर रही हूँ ताकि कलर हाथ में, क्योंकि जो भी कलर चाहे रेड ब्लू ग्रीन जो भी आप कलर यूज़ करेंगे वो थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है हाथ में, इसलिए अगर वो ना आए इसलिए हमने ग्लव्स का यूज़ किया है। अब मैं ये थोड़ा सा वार्म वाटर इसी में से निकाल लेती हूँ। देखिए थोड़ा सा वार्म वाटर निकाल लिया मैंने इस तरीके से, और इसमें ही ये जो कलर मेरा है रेड कलर, इसको मैं थोड़ा सा इसमें मिक्स कर देती हूँ। एक स्पून हम कलर ले लेते हैं क्योंकि हमारे सैंपल्स ज़्यादा हैं आज। देखिए इस तरीके से मैंने, और छोटे वाले में पहले डिप करेंगे, पहले करेंगे अलग से निकाल के इसलिए कर रहे हैं ना कि लम्स ना बने इसके अंदर। देखिए इस तरीके से, ये देखिए इसमें भी कितना पाउडर होता है, तो एकदम पानी पे पड़ेगा तो एकदम से वो मिक्स नहीं होता है, वो थोड़े से उसमें लम्स बनते ही हैं, तो इसलिए उसमें डायरेक्ट अगर हम क्योंकि उसमें करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए पहले थोड़े से बाउल में डिप कर, थोड़े से बाउल में इसको हम मिक्स कर लेते हैं। कलर हमने अच्छे से कलर हमने यूज कर लिया है ये मिक्स। देखिए ये है, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम इन बाउल में इसे मिक्स कर देते हैं। देखिए बहुत गर्म है पानी, तो बहुत सेफली करना ज़रूरी है इसके लिए। हमने जिसको मिक्स कर लिया इसमें चला लेते हैं इसे, ताकि सब जगह मिक्स हो जाए। अब ये जो हमारा पानी कपड़े जितने भी हमारे फैब्रिक्स हैं इसको हम क्या करेंगे, निचोड़ के, देखिए ऐसे निचोड़ के हम एक एक करके सब इसमें डाल देते हैं। देखिए ये है, सारे सैंपल्स हमने इसके अंदर डिप कर दिए। देखिए ये हम, ये देखिए इस तरीके से ये हमने इसके अंदर डिप कर दिया। देखिए इसमें सारा कलर इवनली आ जाएगा, जितना भी कलर है वो इवनली आएगा। अब ये हम इसके अंदर से, फिर क्योंकि हॉट कोल्ड है तो स्टार्टिंग हम हॉट से करते हैं और फिर हम एंड जो करेंगे वो कोल्ड वाटर से करेंगे। ये देखिए इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं डिप करके, देखिए ऐसे, ताकि पानी अच्छे से इसमें भी हो जाए, फिर कोल्ड हॉट वाटर में डालेंगे। देखिए इस तरीके से, जब ये कॉटन फैब्रिक्स के लिए है ये डाई ये तरीका, तो आप कॉटन फैब्रिक्स ही लें इसको करने के लिए, सिंथेटिक फैब्रिक ना यूज़ करें इसको करने के लिए। ये टेक्निक कॉटन फैब्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल होगी। उसके कलर्स अलग होते हैं जो अगर हम किसी और दूसरे फैब्रिक की करेंगे, डाई सब तरीके से होता है, पर ये जो हम टेक्निक बता रहे हैं ये कॉटन फैब्रिक्स के लिए ही है। देखिए इस तरीके से आपने सारा का सारा इसको हम हॉट कोल्ड करके, सारे सैंपल्स आप उठा के, डायरेक्ट हाथ लगाना भी नहीं पड़ रहा है, हम ये टॉन्ग्स का यूज़ करके करे हैं, जिससे क्या होगा कि जो क्या कहते हैं हम इसे, जब ये गर्म पानी है, गर्म पानी हमारा डायरेक्ट हाथ भी नहीं लगेगा और ये इसमें हमारा डाई भी हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से खूब अच्छे से हिला इसको डिप करके, ताकि सब जगह कलर आ जाए, और फिर हम इसको ऐसे निचोड़ के दूसरे में मिक्स कर दे रहे हैं। देखिए
इस तरीके से। इसमें ये हर फैब्रिक अलग अलग तरीके का होता है, किसी में कलर एकदम से आ जाता है, किसी में थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी में लाइट आता है कलर, किसी में डार्क आता है, क्योंकि प्योर कॉटन ही होना चाहिए वैसे, पर अगर थोड़ा सा अगर मिक्स है फैब्रिक उसमें तो वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। ये देखिए, इससे कि अब हमारा सफिशिएंट जितना चाहिए हमें कलर उतना आ गया है इसके अंदर। ये देखिए, ये है, हमने इसको इसमें डिप कर देते हैं। अब हमारा इसमें हो गया है ये, अब हम इसे हटा के करेंगे। इसे फिक्स करने का तरीका हमारा है सॉल्ट और फिक्सर का यूज करके करेंगे हम इसे। अब हमने इसमें देखिए ये जो है, इसमें चाहे हम हाथ का यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए पानी फिर भी थोड़ा सा गर्म हो गया है ये, ठीक है, क्योंकि वो देखिए इस तरीके से ये फैब्रिक्स हमारे डाई हो गए हैं। अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि प्लेन वाटर ले लेते हैं। प्लेन वाटर के लिए देखिए हमने दो बाउल्स लिए हैं और इसमें हमने प्लेन वाटर दोनों में डाल देना है। दोनों में इवन ही हमने वाटर यूज़ कर लिया है ताकि हमारे सारे फैब्रिक इसमें डिप हो जाए इजीली। एक वाले में हम एक उसमें सॉल्ट डालेंगे, एक बाउल में हम सॉल्ट डालेंगे और इसमें सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमें एक बार एक में सॉल्ट डाल दिया है हमने और एक में हम फिक्सर यूज़ करेंगे। थोड़ा सा फिक्सर, देखिए फिक्सर हमने थोड़ा सा इसमें मिक्स कर दिया है। टाइन डाई फिक्सर है ये, देखिए इस तरीके का ये हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब आपको बस सिर्फ क्या करना है कि ये जो दोनों ये फैब्रिक्स हैं हमारे, इनको पहले सॉल्ट वाले में उसमें डिप करना है। ये देखिए एक्स्ट्रा कलर जितना भी है देखिए यहाँ निकल जाएगा, इसमें देखिए कलर निकल रहा है। ये देखिए इसमें जितना कलर है वो सब यहाँ ही निकल जाएगा इससे। देखिए अब हम इसे फिक्सर में डालते हैं। ये देखिए फिक्सर में डालने से देखिए एकदम कलर जो है, देखिए इसमें कलर यहाँ जितना निकल रहा है यहाँ कलर ख़त्म हो गया। देखिए अब नहीं निकल रहा है कलर। ऐसे ही हम यही तरीके से कई बार कर लेते हैं। पहले हम इसमें करेंगे, कलर होने का मतलब ये नहीं कि इसमें कलर हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्ट वाटर है तो सॉल्ट वाटर में क्या कहते हैं डिप करने से वो कलर उसमें अब नहीं आएगा। देखिए इसमें फिर से करेंगे, बाद में हम इसे प्लेन वाटर में से वॉश कर देंगे। ये देखिए हम इस तरीके से हम दो तीन बार इसमें कर लेते हैं, जिससे कि हमारा ये जो है फैब्रिक फिक्स हो जाएगा। सॉल्ट में पहले किया, कलर अब निकलेगा नहीं है। देखिए इसमें जो ये वाला वाटर था फिक्सर वाला, इसमें देखिए कलर बहुत हल्का है, ये जिसमें जितना इसमें रेड है इसमें इतना रेड नहीं है। ये देखिए इस तरीके से, ऐसे हमने किया और एक हमने इसमें थोड़ी देर हम फिक्सर में ही पड़ा रहने देंगे। इस तरीके से डिप करते रहते हैं जिससे कि जो थोड़ा बहुत कलर और भी होगा, वैसे तो कलर इसमें निकलना बंद हो गया है। देखिए कलर जो इसमें आ रहा है इसमें कलर देखिए आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, बिल्कुल प्लेन है ये, देखिए इसमें कलर आ ही नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा भी करके देख सकते हैं कि हम प्लेन वाटर, सिर्फ प्लेन वाटर में देखिए मैंने कुछ प्लेन वाटर जो है ऐसा ये प्लेन वाटर लिया है, इसमें हम लास्ट में फाइनली इसके अंदर डिप करके एक बार, ताकि उसमें जो कलर था वो भी नहीं आएगा। ये देखिए इसे हमने प्लेन वाटर में डिप किया है और देखिए बिल्कुल क्लियर है वाटर, और हमारा जो इसमें निकल अब बिल्कुल ही इसमें से जो ड्रॉप आ रही है देखिए इसमें प्लेन कोई कलर ही नहीं है इसके अंदर।
इसमें कोई कलर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा ये पूरा तरह से फिक्स हो गया है, अब कलर निकलेगा नहीं इसमें से। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसको टाइट, इसको हम ओपन करते हैं। ये देखिए, ये है, ये हमारे सारे पीसेस, ये देखिए। अभी इसको ग्लव्स रिमूव करके, इसको क्या कहते हैं, ऐसे ओपन कर, इसको ओपन करते हैं। अब देखिए, ये जो है ये हमारा प्लीटेड एंड ट्विस्टेड था, ये वाला हमारा लहरिया था, ये सेफ्टी पिन था, ये वाला हमारा सर्कल और स्क्वायर था, और ये हमने क्या कहते हैं सिर्फ इसको पुल करके थ्रेड किया था। तो हम सबसे पहले हम कोई भी खोलते हैं, पहले हम ये वाला ओपन करते हैं, प्लीटेड एंड ट्विस्टेड। प्लीटेड एंड ट्विस्टेड में ये नॉट जो है लूज हो गई है, अपने आप ही खुल गई है नॉट। देखिए किस तरीके का पैटर्न आया, देखते हैं इसको ओपन करने पे। देखिए ये इस तरीके का इसमें इफेक्ट आता है थोड़ा सा, ये देखिए इस तरीके का ये इफेक्ट आया है, इसका इफेक्ट थोड़ा हल्का ही आया है, ये इस तरीके से इफेक्ट आया है इसका। ये देखिए, ये प्लीट्स और ट्विस्ट करके इस तरीके से इफेक्ट आया है। अब हम इसमें सेफ्टी पिन का देखते हैं क्या इफेक्ट आया है। सेफ्टी पिन हमने हटाई इसके अंदर से, तो देखिए सेफ्टी पिन से बस छोटा छोटा पैटर्न इस तरीके से, देखेंगे इस तरीके से। एक देखिए सेफ्टी पिन का इफेक्ट है, जैसे कि छोटे छोटे डॉटेड पैटर्न्स इसके अंदर आए हैं, बस इस तरीके का इफेक्ट आता है। ये कॉटन फैब्रिक है, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि हल्का मिक्स्ड है, जिसकी वजह से इसमें इफेक्ट और थोड़ा क्लियर आता है। आप प्योर जब आप करें तो प्योर कॉटन फैब्रिक लीजिएगा इसे करने के लिए। इसको भी हमने ओपन करा, ये देखिए जो पुल किया था हमने इसमें, ये नहीं अच्छा इफेक्ट आया है इसका, पर इतना देखिए ये ऐसा आया है, ये जो यहाँ जहाँ हमने पुल किया था उस तरीके से, ये देखिए ये ऐसा इफेक्ट आया, थोड़ा और टाइट होना चाहिए था ये। अब इसके बाद हम जो है जो हमने वी पैटर्न बनाया है उसको ओपन करते हैं। आप इसको ड्राई करके ओपन करिएगा, जब ड्राई हो जाए सुखा दीजिएगा पहले, जब ये ड्राई करने के बाद, और उसके बाद ओपन करिएगा। ये देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसको हम ओपन करेंगे, तो देखिए हमारा कैसा इफेक्ट आया है इसको। इस तरीके से हम निकाल देते हैं अपना, ये देखिए अब जो हमारा पैटर्न आया है, ये देखिए ये वीवी पैटर्न जैसे था उसी तरीके से, देखिए ये वीवी पैटर्न पूरा उस पर आ गया है, जैसा हमने डिज़ाइन बनाया था बिल्कुल वैसा ही आ गया है। अब हम एक ये वाला सर्कल और स्क्वायर जो हमने बनाए थे उसको भी ओपन कर लेते हैं। देखिए सर्कल जो हमने बनाया था वो
हल्का सा मिक्स्ड फैब्रिक है, ये प्योर कॉटन नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा इसमें जो इफ़ेक्ट आया है वो लाइट आया है, पर आप कॉटन प्योर कॉटन पे करिएगा तो इससे इफ़ेक्ट और क्लियर रहेगा। देखिए अब हम जैसे देखिए ये इफ़ेक्ट बिल्कुल बहुत अच्छा आया है। इसे देखिए इस तरीके से ये सर्कल बना है इसका, और ये क्या कहते हैं आपका स्क्वायर बन के आया है। तो हमने दो तीन टेक्निक्स करी, ये स्टिच करके मेथड्स हमने किए जिसमें वेवी पैटर्न और स्टिचिंग में सर्कल और स्क्वायर बनाए हमने। ये हमने प्लीट्स और ट्विस्ट करके किया, ये देखिए प्लीट्स और ट्विस्ट करके किया था ये वाला, जिसमें प्लीट्स आई हैं और इस तरह से इफ़ेक्ट आया है। ये सेफ्टी पिन से आया है, ये देखिए ये प्लीटेड एंड ट्विस्टेड है। ये वाला हमारा सर्कल और स्क्वायर बना है, ये हमारा वेवी पैटर्न हो गया, ये सेफ्टी पिन्स का इफ़ेक्ट है। सेफ्टी पिन देखिए, सेफ्टी पिन का इफ़ेक्ट इस तरीके से आया है, जितना और टाइट होता था तो इसमें और अच्छा इफ़ेक्ट आ जाता। ये देखिए ये जो है ये हमारा प्लीटेड एंड ट्विस्टेड इफ़ेक्ट है, तो इसको आप ये देखिए इस तरीके से, देखिए प्लीटेड एंड ट्विस्टेड हो गया ये वाला हमारा, ये प्लीटेड एंड ट्विस्टेड हो गया और ये सेफ्टी पिन का हो गया। तो आपको ये टेक्निक इजी लगी होगी, आप भी इसको ट्राई करिएगा और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।